पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत में 1.35 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 248.38 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3.85 रुपए महंगा। मिट्टी का तेल 1.48 रुपए, लाइट डीजल 2.61 रुपए सस्ता। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर भी 34.09 रुपए महंगा। ओग्रा ने नई कीमतें 256.19 रुपए फी क्यूलर मुकरर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म, तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। एफबीआर का कहना है अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा कराए जा चुके, 1.25 अरब से जायद की रकम इकट्ठी हो चुकी। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरूने मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनकता कर दिए जाएंगे। एफबीआर को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। जराए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया, हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच गया। पीआईए की निजकारी के लिए बोली, ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में पीआई खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85.3 अरब रुपए मुकर्रर की थी। शॉर्टलिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड ने बिडिंग में हिस्सा लिया। कंपनी को कीमत बढ़ाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं बढ़ाई। मामला काबीना की निजकारी कमेटी को भेज दिया गया। जराए का कहना है इस कीमत पर पीआईए फरोख्त नहीं की जाएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है हुकूमत ने रेफरेंस प्राइस हकीकत से करीब नहीं रखी। निजकारी ना हुई तो 1 साल में 100 अरब का मजीद खसारा होगा, 400 दिनों की मेहनत जाया होगी। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तबानाई, सकाफत में तआवुन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन तआवुन पर गौर। वज़ीरे आज़म ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद की बिला तआतुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़रात, IT और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। खिताब में कहा कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कहा नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे, जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक उम्मत का लीडर जेल से बाहर नहीं आता। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आईन से मुतसादिम करार दे दिया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आईन और इजहार राय की आजादी से मुतसादिम है, हाई कोर्ट का फैसला। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। पीटीआई ने शिक 265 कलदम करार देने की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने कहा इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बायस दायरा इख्तियार में आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के 3 माह बाद तक जवाब जमा नहीं कराया। और सेन में आज से तमाम गाड़ियों से काले शीशे उतारे जाएंगे, शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा गलत नंबर प्लेट के खिलाफ एक्शन होगा, असलहे की नुमाइश सख्ती से मना होगी। कोई कितना ही बासर हो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जुडिशियल कमीशन को आप लोग किसी भी कीमत पे बॉयकॉट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, हमने तो अपने नाम दे दिए हैं, ये नाम अप्रूव किए खान साहब ने जो हमने दिए।
जुडिशल कमीशन का बायकॉट नहीं करेंगे, उन लोगों को मौका नहीं देंगे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की मंजूरी से शिबली फराज और उमर अयूब के नाम दिए गए। बानी पीटीआई की बहनों या अहलिया ने पार्टी को किसी किस्म की हिदायत नहीं दी, पार्टी में इख्तलाफात का तासुर गलत है। अली अमीन गंडापुर वाजे तौर पर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई में उनका किरदार नहीं। फवाद चौधरी ने कहा बानी पीटीआई की बहनों और अहलिया को अब तहरीक को लीड करना चाहिए। बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम आ गया, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात भी हो जाएगी। हमारी ये जंग जारी है, इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क में हक नहीं मिलता। इस बार निकलें और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें, घर से बता कर जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम, कहा फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, अब समझ आ गई, इज्जत शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। हकीकी आजादी मांगने के जुर्म में ही आज बानी पीटीआई जेल में है। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, अब तुम्हारा इक्तदार नहीं आने वाला। वजीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर परिवार बोली, हम पर तनकीद करने वाले और बोहतान लगाने वालों की अपनी कारकर्दगी से पर है। ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते लेकिन उनकी हलफ बर्दारी में फ्रंट सीट पर मौजूद थे। तकरीबे हलफ बर्दारी में देखकर समझ नहीं आया, हंसू के रो कि मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तरक्की और खिदमत में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के अरकान का खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मौकिफ अपनाया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में जेरे समात हैं। किसी दूसरे मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। बैन अल-अक़वामी सतह पर इलेक्शन को आजादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला एस्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, ढील चाहते हैं ना कोई डील, लेकिन उसूलों पर एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो सकती है। 26वीं आईनी तरमीम से आयन की रूह, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया, अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये चाहते हैं अंधेरे कमरे में सजाएं दी जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे, जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे।